हेलो डियर लर्नर्स, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ हमारे एक ऐसे प्रोग्राम के लिए जो कि एस्पायरिंग टीचर्स ऑफ इंग्लिश के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स जो या तो इंग्लिश टीचिंग करते हैं कंपटीशन के लिए, एकेडमिक एग्जाम्स के लिए, किसी के लिए भी, या ऐसे कैंडिडेट्स जो आने वाले समय में जल्द ही खुद को एज ए टीचर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इंग्लिश टीचर एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश खुद को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और इसको एज ए करियर ऑप्शन देखते हैं, ये उनके लिए प्रोग्राम है। प्रोग्राम का नाम है एसएक्स सेलेक्ट जो है ये प्रोग्राम का नाम है। और ये हमारा जो फुल फ्लेज प्रोग्राम है टीचर्स ऑफ इंग्लिश के लिए एसएक एलीट, उसका एंट्री लेवल कोर्स है। आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो इस बात को पहले से जानते होंगे कि हमारा टीचर्स के लिए जो प्रोग्राम है वो है एसएक एलीट प्रोग्राम है, वो फुल फ्लेज प्रोग्राम है। उसमें टीचर्स की लाइव लेक्चर्स होते हैं, लाइव क्लासेस उनको मिलती हैं, डाउट्स, डिस्कशन, कॉन्सेप्ट्स, ये सब उसमें डिस्कस होता है। साथ ही साथ में उनको रेगुलर टास्क असाइनमेंट्स दिए जाते हैं जिसके थ्रू वो अपनी टीचिंग को और बेहतर करते हैं। एसएक सेलेक्ट उसके लिए एक एंट्री प्रोग्राम है एसएक एलीट के लिए। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हमने देखे हैं कि जिनको मतलब एलीट के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलीट में मतलब अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, बट हमें लगता है कि पहले उनको ना एक इंट्रोडक्टरी कोर्स कर लेना चाहिए, एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे। टीचिंग इज अनदर थिंग, चीज़ों को जानना, क्वेश्चंस के आंसर बता लेना, ये एक अलग बात है, ठीक है। बट उसको इस तरीके से प्लान करना और उसका एग्जीक्यूशन करना कि जिससे दूसरा भी उसे समझ पाए, जान पाए और उसको क्लियर हो जाए, और एफर्टलेस प्रोसेस हो लर्निंग, जिसमें कि हमारे जो सीखने वाला है उसको ज़्यादा डाउट्स या कन्फ्यूजन्स ना हो और जो लर्निंग प्रोसेस है वो एफर्टलेस रहे, उसके लिए आपको काफी कुछ और भी चीजें सीखनी पड़ती हैं क्वेश्चन आंसर्स के अलावा, कॉन्सेप्ट्स के अलावा। तो हमें लगे कि एक ऐसा एंट्री लेवल प्रोग्राम पहले रखना चाहिए कि जिससे होते हुए फिर ऐसे एलीट में कैंडिडेट्स को लाया जाए। डायरेक्ट जब हम ऐसे एलीट प्रोग्राम में कैंडिडेट्स को ले लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स कैपेबल होते हैं कि दे कैन अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ द प्रोग्राम, द सिस्टम, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, वो उसको समझते हैं। बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको उससे पहले कुछ समय एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे दे देना चाहिए था, फिर उनको एसएक एलीट प्रोग्राम में आना चाहिए था। तो ये सोचते हुए हमने एसएक सेलेक्ट जो है वो एक इंट्रोडक्टरी कोर्स बना दिया, एक ब्रिज कोर्स हो गया आपके एसएक एलीट प्रोग्राम के लिए, जिसके थ्रू फिर आप एसएक एलीट में एंट्री करेंगे तो आपको वहां पर कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे, डाउट्स नहीं होंगे, आप बेहतर चीज़ों को समझोगे और आपको काफ़ी हेल्प हमसे मिलेगी। तो एसएक सेलेक्ट जो लाने के पीछे पर्पस है वो यही है कि प्रेपरेटरी, इट्स अ प्रेपरेटरी कोर्स फॉर एसएक एलीट। अल्टीमेटली आपको टीचर ऑफ इंग्लिश हो तो हमारे एसएक एलीट प्रोग्राम में ही एनरोल होना है, अल्टीमेटली वहीं पर जाना है, ठीक है। बट उसके लिए ना हमने एक प्रेपरेटरी कोर्स बना दिया, एक ब्रिज कोर्स बना दिया जिसके थ्रू आप एसएक एलीट में जा सकते हैं। एसएक एलीट कोर्स में क्या होता है कि टास्क ज्यादा होते हैं, थोड़े से टास्क जो होते हैं उनका लेवल अच्छा होता है, ठीक है, और डेडलाइंस होती हैं जो आपको मीट करनी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा होते हैं। तो एसएक सेलेक्ट जो लाने के पीछे लॉजिक है वो यही लॉजिक है कि पहले हम कैंडिडेट्स को 2 महीना 3 महीना एक इंट्रोड्यूस करें कि टीचिंग और नोइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, नोइंग अ थिंग, नोइंग सम सब्जेक्ट एंड टीचिंग दैट सब्जेक्ट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो इंट्रोडक्शन करवाने के लिए टीचिंग का हम ये प्रोग्राम लेकर आए, तो एक तरीके से ब्रिज कोर्स है। अल्टीमेटली फिर आप में आपको एसएक एलीट में ही जाना है, ठीक है। इस कोर्स में देखिए क्या फीचर्स हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। एसएक सेलेक्ट प्रोग्राम में फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से आपको हम हेल्प करेंगे, किस तरीके से आपको ट्रेन किया जाएगा, किस तरीके से आप बेनिफिट हो सकते हैं इस प्रोग्राम से। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम आपको रिटन एंड प्रैक्टिकल टास्क देते हैं, उनमें कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है तो हम आपको हेल्प करते हैं और वो टास्क आपको सबमिट करने होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने आपको एक कॉन्सेप्ट या एक क्वेश्चन या एक सिचुएशन दी कि ये सिचुएशन, ये कॉन्सेप्ट या एक क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो उसके लिए आप लेक्चर प्लान कीजिए ऑन पेपर अपनी हैंड राइटिंग में, ठीक है। टाइपिंग नहीं होती है इनमें, आपको हैंड रिटन ही नोट्स बनाने होते हैं, हैंड रिटन ही सबमिशन होता है टास्क का, ठीक है, ये कंपल्सरी है। तो आप अपना हैंड रिटन लेसन प्लान बनाइए कि इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप कैंडिडेट्स को किन एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे, किन एग्जाम्पल्स पे ख़त्म करेंगे, उनका सीक्वेंस क्या होगा,
किन बेसिक्स है, किन फंडामेंटल्स का यूज करेंगे कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, वो एक लेसन प्लान बनाइए। आप अपने आप बना लेते हैं बहुत बात है, बाद में उसमें करेक्शंस आपके हम करवा देंगे, ठीक है। उसको लेसन प्लान बनाइए। ये होते हैं रिटर्न टास्क जो आपको रिटर्न में सबमिट करने होते हैं। आपको एक टास्क दिया जाएगा, उसकी एक डेडलाइन होगी और आपको वो टास्क जो है उस डेडलाइन पर तक सबमिट करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीजें आप पहले से जानते हो वो आप बेहतर तरीके से रिलेट करने लग जाओगे, आपकी वो मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर रहेंगी। दूसरा, आप उनको लेकर अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो भी आपकी बाहर आएगी। आपका खुद का सोचने का नजरिया, चीजों को देखने का नजरिया, ये आपका खुद का डेवलप होगा। जब आप उन टास्क कंप्लीट करने के लिए टाइम देंगे और उन पे एफर्ट्स करेंगे तो उस बीच में आप देखेंगे कि आप बहुत सी चीजों को पहले के मुकाबले बेहतर तरीके से समझने लग गए हैं, बेहतर तरीके से जानने लग गए हैं, समझाने लग गए हैं, ठीक है। आपकी मेमोरी अच्छी हुई है, आप चीजों को रिलेट अच्छे तरीके से कर लेते हो, आपकी जो कन्विंसिंग एबिलिटी है वो पहले से बेटर हो गई है, आप क्रिटिकली सोचने लग गए हो, आपके एनालिसिस अच्छे काम करने लग गए हैं, ठीक है। तो ये जो रिटर्न टास्क होते हैं ये आपको इस तरीके से हेल्प करते हैं, उनमें हम हमेशा आपकी हेल्प करते हैं। और साथ ही में कुछ प्रैक्टिकल टास्क होते हैं। प्रैक्टिकल टास्क में क्या होता है कि आपको रिटर्न टास्क करना ही है, आपको लेसन प्लान बनाना है, लेसन प्लान हमारे साथ शेयर करना है, लेकिन उसके साथ में ना उसको पढ़ाते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड करना है। 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट के वीडियोज होते हैं, वो टास्क में आपको दिया जाता है कि आपको इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए। आप फोन से कर सकते हैं, प्रोफेशनल कैमरा से कर सकते हैं, आप फोन से भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो आपको सबमिट करने होते हैं। तो एक तो इस तरीके के टास्क हैं आपके लिए। दूसरा, इसमें पर्सनल गाइडेंस एंड सपोर्ट। आपको कोई भी क्वेरी है टीचिंग से रिलेटेड, कॉन्टेंट से रिलेटेड, लेसन प्लान से रिलेटेड और एनी काइंड ऑफ क्वेरी, कोई भी ऐसी क्वेरी आपकी है, कहीं पर भी आप हमारा सपोर्ट या गाइडेंस चाहते हो, कंटेंट को लेकर आपको कोई असाइनमेंट चाहिए, ठीक है, आपको किसी बात को समझाने के लिए आपके पास अच्छे एग्जांपल्स नहीं है, आपको एग्जांपल्स की ज़रूरत है, या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कहीं पर आप उसमें उलझते हो, आपको डाउट होता है, ठीक है, तो उस तरीके की सपोर्ट है। तो वो जो पर्सनल गाइडेंस एंड सपोर्ट है वो भी आपको इस प्रोग्राम में, एसएक्स सेलेक्ट प्रोग्राम में आपको मिलेगी। उसके साथ में यहाँ पर आपको दिए जाएंगे कुछ रेगुलर टीचिंग असाइनमेंट्स। रेगुलर टीचिंग असाइनमेंट्स, टीचिंग असाइनमेंट्स में क्या होगा कि हम आपको एक टॉपिक देंगे, जैसे हमने आपको टॉपिक दे दिया सपोज रेगुलर इन रेगुलर वर्ब्स, ठीक है, या हमने आपको टॉपिक दे दिया प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, ठीक है, या हमने आपको टॉपिक दे दिया टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स, या हमने आपको टॉपिक दे दिया कि हाउ टू चेंज द जेंडर ऑफ डिफरेंट नाउंस। तो आपको इन टॉपिक्स को अपने बच्चों को, जो भी आपके पास स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, उनको वो टॉपिक पढ़ाना है। उसकी आउटलाइन हम देंगे कि ये आपका टीचिंग असाइनमेंट है, इस टीचिंग असाइनमेंट को आपको अपने बच्चों पर प्रैक्टिकल करना है, जो आपके पास बच्चे हैं, क्योंकि नहीं है तो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप एक छोटी सी क्लास बनाइए, 5 बच्चे हो 10 बच्चे हो फर्क नहीं पड़ता, बट एक क्लास होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। टीचिंग में जब हम इंटरेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के हाथ में, टीचर हम तभी बनते हैं। हम केवल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहें, ऑनलाइन टेस्ट देते रहें, वीडियो देखते रहें, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते रहें, इससे कोई टीचर नहीं बनता है, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो डाल देने से, रिकॉर्ड करके, आप टीचर नहीं हो जाते हो। जब आप पर्सनल इंटरेक्शन करते हो विद अ पर्सन, जब आप एक पर्सन के साथ में इंटरेक्शन करते हो, ठीक है, अब फिर वो इंटरेक्शन जब आपका प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल होता है, उससे आप टीचर बनते हो। वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालने से टीचर नहीं होते हो, ऑनलाइन टेस्ट देने से टीचर नहीं होते हो, पढ़ लेने से भी टीचर नहीं होते हो, पढ़ाने से होते हो रियल पर्सन को। तो उसमें आपको ना टीचिंग असाइनमेंट्स मिलेंगे टाइम टू टाइम। उन टीचिंग असाइनमेंट्स में आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, वो टॉपिक 5 क्लासेस का भी हो सकता है, 10 क्लासेस का भी हो सकता है, ठीक है। हमारी शुरुआत में कोशिश होगी कि ऐसे टॉपिक्स दिए जाएं जो 5 या 6 क्लासेस में आप बच्चों को सिखा दें। तो वो आप टॉपिक्स जो हैं उनका एक आउटलाइन हम देंगे, किस टॉपिक को आप इस आउटलाइन को ध्यान में रखते हुए पढ़ाइए, उस आउटलाइन पे लेसन प्लान आपको खुद करना है, और उसके बाद में जिन बच्चों को आपने पढ़ाया है वो टॉपिक इंग्लिश का, ठीक है, उन बच्चों का असेसमेंट हम करेंगे। मतलब वो बच्चे जो हैं आपके टॉपिक पढ़ाने के बाद में उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी नॉलेज कितनी अच्छी हुई है, इसका असेसमेंट हम करेंगे। तो इस तरीके के आपको टीचिंग असाइनमेंट्स भी मिलेंगे जो करने होंगे। ये हमारा एसएक्स सेलेक्ट प्रोग्राम का फीचर है, मतलब ये फीचर्स हमारे एसएक्स सेलेक्ट प्रोग्राम के हैं। ये सारे फीचर्स जो हैं वो एसएक एलीट में भी हैं। अब हमें यहाँ पे समझना है कि फिर एसएक एलीट में और एसएक सेलेक्ट में डिफरेंस क्या हुआ। देयर इज ओनली वन डिफरेंस।
वो डिफरेंस है रेगुलर लाइव क्लासेस, रेगुलर लाइव क्लासेस। एसएक्स सिलेक्ट प्रोग्राम में रेगुलर लाइव क्लासेस नहीं है, ये फीचर्स हैं इनमें, ठीक है। एसएक्स एलीट में एक एडिशनल फीचर है, वो है रेगुलर लाइव क्लासेस। उनका अपना एक शेड्यूल है कि उस शेड्यूल पर, अभी इस हफ्ते से पहले रेगुलर क्लासेस होती थी उनकी मंडे टू फ्राइडे इन द नाइट, लेट नाइट होती थोड़ा सा, और अब हमने उनकी क्लासेस MWF में मंडे वेंसडे फ्राइडे कर दी। तो उनका अपना एक शेड्यूल है, लाइव लेक्चर्स उसमें चलते हैं, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कशन होता है, डाउट्स डिस्कस होते हैं, ये इस तरीके से होता है। वो आपको ना एसएक्स सिलेक्ट प्रोग्राम में अभी नहीं मिलेगा, वो आपको फैसिलिटीज, वो फीचर आपको तभी मिलेगा जब आप एसएक्स एलीट प्रोग्राम में शिफ्ट होंगे एसएक्स सिलेक्ट से। अच्छा, एसएक्स सिलेक्ट और एसएक्स एलीट में यही बेसिक डिफरेंस है, और थोड़ा सा डिफरेंस फीस का है, उस प्रोग्राम की फीस ज्यादा है, एसएक्स सिलेक्ट की फीस थोड़ी सी कम है, ठीक है, कंपेटिवली उससे कम ही है। अब इसकी फीस क्या है मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए एसएक्स सिलेक्ट प्रोग्राम, सबसे पहले मैं आपको वैलिडिटी बता देता हूं, ये जो हमारे प्रोग्राम फॉर टीचर्स हैं, चाहे एसएक्स एलीट है चाहे एसएक्स सिलेक्ट है, इनकी वैलिडिटी कोई नहीं होती है। मतलब हम अपनी तरफ से आपको नहीं कहते कि बात खत्म, हम कभी नहीं कहते। आपको लगे हमारे साथ रहने की जरूरत है, आप बने रहिए, जो हमारा मतलब सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, नियम कानून मानने पड़ेंगे, हमारे साथ रहना है तो उनको फॉलो कीजिए, जो टास्क दिए जाते हैं उनको सबमिट कीजिए, डेडलाइन से पहले सबमिट कीजिए, और साथ में रहिए हमेशा। हम कभी आपसे नहीं कहेंगे कि अब नमस्ते, ठीक। आपको लगे कि ठीक है अब हमें जरूरत नहीं है ऐसे सेलेक्ट या ऐसे लीड प्रोग्राम की, अब हम अपने आप अपने काम को डील कर सकते हैं और हमें अब सपोर्ट की जरूरत नहीं है, देन यू कैन जस्ट लीव, ठीक है, आप अपने आप लीव कर सकते हैं, हम कभी नहीं खत्म करते। तो इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, मैं आपको बताऊं। इन प्रोग्राम्स में केवल एंट्री फीस होती है। अच्छा, हम इनमें वैलिडिटी क्यों नहीं रखते हैं, क्या वजह है वैलिडिटी नहीं रखने की, ये सारी चीज अगर आपको जाननी है तो फिर हम लाइव लेक्चर्स में केवल एनरोल्ड स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करते हैं, फिर उनको समझाते हैं कि हमारा दूर का प्लान क्या है और हम इसमें आपको वैलिडिटी क्यों नहीं दे रहे हैं। हम आपको अपने साथ में हमेशा जोड़ के रखना, हम हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए क्यों तैयार हैं, ठीक है, वो दूर का गोल है, ठीक। तो इसमें कोई वैलिडिटी नहीं होती, मैं आपको बताऊँ, बस एंट्री फीस होती है। वंस यू हैव एंटर्ड, आप एक बार आ गए प्रोग्राम में, तो फिर अब आप हमारे साथ ही हो, जब तक आप चाहो तब तक, ठीक है। फीस जो एसएक्स सिलेक्ट के लिए हमने रखी है वो 5000 है अभी फिलहाल में, ठीक है, आने वाले टाइम में क्या होगी वो बढ़ेगी फीस, ऑब्वियस बात है, कम तो नहीं होगी। अभी एसएक्स सिलेक्ट प्रोग्राम के लिए जो आपकी एंट्री फीस है वो हमने केवल 5000 रखी हुई है, एसएक्स एलीट की फीस 10000 है, ठीक है। जब आप एसएक्स सिलेक्ट से एसएक्स एलीट में ट्रांसफर करेंगे, शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको केवल जो डिफरेंस है फीस का 5000 रुपीज वही पे करना है, आपको एसएक्स एलीट की पूरी फीस जो है 10000 वो पे नहीं करनी है, आपको केवल वो जो डिफरेंस है फीस का वो आपको पे करना है और आप एसएक्स एलीट प्रोग्राम में चले जाएंगे, ठीक। तो ये इसकी फीस है, वैलिडिटी कोई नहीं है, ठीक। अब कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए एक तो हमने गूगल फॉर्म फिल करवाया है, अगर आपने गूगल फॉर्म वो फिल किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस नंबर पर 8888788878 इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करेंगे, I'm interested to join SX Select program, बस आप ये मैसेज हमें सेंड करेंगे और फिर आप कैसे फीस पे कर सकते हैं, कैसे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वो सब आपको व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई आ जाएगा, कॉल्स वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, केवल व्हाट्सएप मैसेज से काम चलेगा। ठीक, बाकी जिन कैंडिडेट्स ने इंटरेस्ट शो किया है, जिन्होंने वो हमने गूगल फॉर्म फिल करवाया था, जिन्होंने वो फॉर्म फिल किया था, उनको हम अपनी तरफ से ही व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे, उसमें फीस के लिए पेमेंट लिंक भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। और बाकी जो कैंडिडेट्स जिन्होंने वो गूगल फॉर्म नहीं फिल किया था किसी कारण से, वो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8888788878 इस नंबर पर, ठीक है। बाकी मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, एसएक्स सिलेक्ट प्रोग्राम कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, वो कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्ट ना शो करें, ये केवल उनके लिए है जो या तो टीचिंग करते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं, किसी स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, या वो जो जल्द ही
खुद को टीचिंग में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, चाहे अपना कोचिंग सेंटर खोलकर, चाहे किसी स्कूल कॉलेज को ज्वाइन करकर, ये प्रोग्राम केवल उनके लिए, और स्पेशली उनके लिए जिन्हें ये लगता है कि हम उनकी मदद यहाँ पर अच्छा टीचर बनने में, अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में, अच्छे तरीके से एफर्टलेसली एक एफर्टलेस टीचिंग करने में हम उनकी मदद कर सकते हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए। ठीक है, तो अगर आपने गूगल फॉर्म फिल किया अच्छी बात है, नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज एक ड्रॉप कीजिए, आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एक्सेस सेलेक्ट। ठीक है, और आपको फीस पेमेंट का लिंक आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी उसमें मैसेज में, और आपकी हम मंडे से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ऐसे सेलेक्ट को आपको टास्क मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।